ख्याल के साथ आए हैं, तो मैं निहत्ता बंदा स्कूल में सेफ कैसे हूँ? मेरा बच्चा है, मेरा 2.5 साल का बच्चा है, मेरा 6 साल का बच्चा है, वो स्कूल में सेफ कैसे है? हम लोग सर पिछले 90 से जब जितनी हमारी एज है हम लोग वही चीज देखते आ रहे हैं। तो पास 35 ईयर्स ब्लेसिंग दिस थिंग ऑनली, अब हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हमारे घर में एक और होगी बैक होम, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। आप उनके पेरेंट्स की हालत देखिए, आप उनकी वाइफ की हालत देखिए, उनकी 7 साल की बच्ची है, उसकी क्या गलती है? रोते हुए कपकपाती आवाज में अपना खौफ बताती ये महिला आईजीपी कश्मीर विजय कुमार को भी झकझोर गई। दरअसल कश्मीरी पंडित अपने खिलाफ लगातार हो रही हिंसाओं से भड़के हुए हैं और प्रशासन के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। यही कारण है कि आईजीपी कश्मीर विजय कुमार और संभागीय आयुक्त कश्मीर ने बडगाम के शेखपुरा में धरने पर बैठे कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की। उन्होंने प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद किए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा बढ़ाने और आतंकवाद को पूरी तरह से खात्मा किए जाने का भी आश्वासन दिया है। अगर आप डर जाएंगे तो वही नहीं चाहता, उसका एजेंडा ही है। पाकिस्तानी हो या वहाँ के टेररिस्ट हो, उसका एजेंडा ही है कि लोग भय पैदा करे। उससे लड़ना पड़ेगा, हम सबको भी लड़ना पड़ेगा, सिर्फ आर्मी पुलिस के लड़ेंगे, आपको भी लड़ना पड़ेगा। आपका भी शहादत हो रहा है, जो आप जो सेक्रीफाइस किए वो अनमोल है, मैं उसका भी उतने बात वैल्यू है जितने का आर्मी के शहादत का पूरा है। इसलिए आप लोग ऐसा कुछ ना बयान दें, ना ऐसा कोई एक्शन करें जिससे कि हमारा दुश्मन स्ट्रांग हो। और मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि मिलने वाला बात करूंगा, लेकिन मैं ऐसा अपने तरफ से, आर्मी की तरफ से, सीएपीएफ तरफ से मैं आपको आश्वासन देता हूँ, और जो सिक्योरिटी में जो कमी है उसको पूरा करेंगे, और उसके साथ साथ जो आतंकवादी उसको सफाई करते रहे और करते रहेंगे। शेखपुरा में आतंकियों द्वारा राहुल भट्ट की हत्या के बाद से कश्मीरी पंडित धरने पर बैठे हुए हैं। इसी कड़ी में उन्हें मनाने की कोशिश जारी है। वहीं दूसरी तरफ आतंकी संगठन लगातार कश्मीरी पंडितों को निशाने पर लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों का भी पूरा कमिटमेंट है कि वो आतंकियों को बिना साफ किए हुए नहीं रुकेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर को भयमुक्त और आतंक मुक्त बनाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से इस महिला ने आईजीपी विजय कुमार के सामने अपनी खौफ को बयां किया वो वाकई में काफ़ी दुखदाई है। ऐसे माहौल में आईजीपी विजय कुमार भी बखूबी कोशिश करते रहें कि वो इस पूरे मामले को संभालें और लोगों को अपने दिल की बात समझा पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।